वृंदावन। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रिया कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। तो चलिए आज हम आपको कृष्णा की नगरी वृंदावन ले चलते हैं। दिल्ली से मथुरा का सफर यमुना एक्सप्रेसवे से महज 2.5 घंटे का है। दिल्ली से आप खुद की गाड़ी या बस से मथुरा जा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए कई सारे मंदिर हैं। लेकिन 2 दिनों की छुट्टी में मथुरा जा रहे हैं तो कुछ प्रसिद्ध और चुनिंदा जगहों पर ही घूमें, जैसे कि प्रेम मंदिर, स्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और निधिवन। कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना ही एक अलग महत्व है। उत्तर प्रदेश राज्य के इस पवित्र शहर में भक्त दूर दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। मथुरा शहर में स्थित वृंदावन नगर श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण और राधा रानी के कई और मशहूर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। कृष्ण का जन्म भले ही उनके मामा कंस के महल में बनी जेल में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल वृंदावन की गलियों में बीता। इसीलिए मथुरा भ्रमण के दौरान श्री कृष्ण के जुड़ी सभी खास जगहों के दर्शन करने को यहाँ मिलेंगे। कम पैसों में आप मथुरा वृंदा को घूम सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं प्रेम मंदिर वृंदावन का। मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मनोकामना मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन आते हैं। इस मंदिर की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यही वजह है कि भक्त यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्य बातें जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। वृंदावन का ये प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण राधा और राम सीता को समर्पित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भव्य मंदिर की रचना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनकर तैयार किया गया था। इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक किया गया। फिर 17 फरवरी को इसे सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 125 फीट की है और लंबाई 122 फीट की है। वही मंदिर की चौड़ाई करीब 115 फीट है। ये मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है जो कि इटली से मंगवाए गए थे। इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी की भक्तों को काफी आकर्षित करती है। इस मंदिर में देश के अलावा विदेश से भी लोग देखने आते हैं। होली और दिवाली में मंदिर का नजारा देखने लायक होता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण की मनोहर झांकियां और सीता राम का खूबसूरत फूल बंगला है। मंदिर में फवारे श्री कृष्ण और राधा की मनोहर झांकियां हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ब्रज की होली। जी हाँ, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। पूरे ब्रज मंडल में होली करीब 1.25 महीने तक चलती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। असल में मथुरा को भगवान कृष्ण के जन्मस्थल के तौर पर जाना जाता है। वृंदावन वो जगह है जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन गुजारा था। इसकी वजह से मथुरा वृंदावन की होली का खास महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक होली के त्योहार की शुरुआत राधा और कृष्ण के होली खेलने से ही हुई थी। मथुरा वृंदावन में करीब 1 हफ्ते तक होली के कार्यक्रम होते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मुख्य होली से पहले फूलों से होली खेली जाती है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगता है और मंदिर परिसर में जमकर फूल बरसाए जाते हैं। मथुरा वृंदावन घूमने का खर्चा, अब हम आपको बताते हैं कि आप अगर वृंदावन आ रहे हैं तो आपके कितने खर्चे होंगे। 2 दिन के ट्रिप में मथुरा वृंदावन के भ्रमण का किराया भी ज्यादा नहीं है। आप दिल्ली से बस के जरिए मथुरा जा सकते हैं। सबसे सस्ता टिकट आपको 200 रुपए का मिल जाएगा।
ट्रेन से भी मथुरा जाया जा सकता है, जिसमें 2000 रुपए तक का व्यय करना पड़ेगा। मथुरा में ठहरने और खाने का खर्चा भी अधिक नहीं है। 500 से लेकर 3000 रुपए तक आपके अच्छे होटल में कमरा मिल सकता है। वहीं खाने में लगभग 500 से 1000 रुपए तक का व्यय करना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।